मेंबर असेंबली हमारे दादा जफर आलम साहब और जनाब आरिफ साहब और महबूब साहब, मैं आरिफ साहब और महबूब साहब के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इनकलाब इस जमीन पर उन्होंने लिखा है, तो इसको किसी शायर ने कहा है कि कहीं सदियों में आता है, कहीं सदियों में आता है कोई ऐसा मस्ताना, कहीं सदियों में आता है कोई ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैखाना। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं कि आपने जो घर बसाए हैं, अल्लाह ताला आपको जन्नत में इससे दुगना घर बसाएगा, आपकी जिंदगियां इस सूरज की रोशनी से दुगनी और चौगनी रोशन करेगा, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं ये सबसे अजीम काम है। और हुकूकुल इबाद का रास्ता, अल्लाह ताला कहता है कि हुकूकुल इबाद या बंदों का हक जो तुम्हारे ऊपर है वो उसकी अदायगी बंदा ही करेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान कल रोजे महशर में जब ये सवाल किया जाएगा कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया, तो आपको ये फख्र होगा कि आपने ये, आपको ये कहने में फख्र होगा कि आपने ये किया कि आपने जो घर कब बसते, देर से बसते, उन घरों को आपने आज बसाया। और उन घरों की मैं आपने जो बरकत लाई शादी की, हो सकता है इनकी शादियों को वक्त लगता है या कुछ मजबूरियां पेश आती, आपने जो अजीम काम किया मैं उसके लिए आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और सिमरी बख्तियारपुर के समाज के लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इस समाज के साहिब हैसियत लोग जिनके पास बहुत माल और दौलत है, अगर उनके बच्चे भी इस दूल्हे में, उनके बच्चे भी इस तरह से अगर इस्तेमाई शादी करेंगे, तो ये समाज को एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो शादियों का ये जो माहौल है ये सिर्फ खास लोगों तक ना रहे, समाज के साहिब हैसियत और अमीर लोग भी इसमें शिरकत करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की शादियों में शामिल होने का मौका मिले और किसी को इस शादियों से परहेज ना हो। इसी के बाद मैं अपनी बात बस इतना कह के खत्म करना चाहता हूँ कि आपने जो इंकलाब बर्पा किया है इस शादियों के इस मुहिम का, इसमें हमारे जो हिंदू साथी हैं वो भी ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए भी इंतजाम हो और वो भी अगले साल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराएंगे। तो हम आपकी तरफ से उनको ये आश्वस्त करते हैं कि अगर दूसरे समाज यानी हिंदू समाज के भी लोग अगर इस तरह की सामूहिक विवाह में अगर अपना शामिल होना चाहते हैं, तो उनको हमारे ईसा फाउंडेशन के लोगों की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।